राहुल गांधी देखे देखे गरीब मानुष सबको समान भाव देखे नहीं तो मोदी जी 500 कर देंगे तो मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दूंगे हम, वो अच्छा लोग नहीं है। नहीं नहीं अच्छा सत्य अच्छा लोग नहीं, वो भालू है। हम देखे हमने कहा ये सिर्फ किस मतलब हाँ मौसम है कि सब समाते समा नहीं देश रहो जो कि भारत वर्षों की सबाई तो सब कत सुंदर एक तो भालो हिंदू मुसलमान सबाई समान समान और ओरा बुझे ना एया करो ओया करो केने करबे सेटो तो भालो लय कोई नहीं करता। मनमोहन सिंह था तब अच्छा था। अरे आप तो बहुत जानकारी रखती हैं। अच्छा था आदेश, बहुत अच्छा था। आप कितना पढ़ी हुई हैं? हम 8 पास हैं। 8 पास हैं? हाँ। लेकिन आपकी जानकारी अच्छी है। थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। 8 पास चाय वाला से तो अच्छे हैं आप। देखिए एक जो है वो आप हाउस वाइफ है। देखिए एक हाउस वाइफ है और 8वीं पास है लेकिन नॉलेज है कि कब कौन प्रधानमंत्री रहा कब कौन नहीं रहा। और ये शायद आप जाएंगे गांव देहात में तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 10 साल पहले कौन प्रधानमंत्री था। और एक आंखों से गुस्सा बरस रहा है इस तरह से आज मौजूदा समय के अंदर आप कैमरा लेकर के माइक लेकर के अगर गांव देहात के लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गाँव के लोग हैं क्या बोलेंगे। लेकिन ये गांव के लोग क्या बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। सरकार जिनसे 100 केरोसिन 100 रुपए का केरोसिन हो गया है ये बोल रहे हैं आप? हाँ। तो आप मोदी को वोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी? मोदी के लो मोदी के एकदम नहीं, मोदी नहीं, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। सब जाले पानी में डूब रही है, पानी में डूब गया गांव का रास्ता। दिखाइए अभी दिखाएंगे कोई हमारा भाड़ा भाड़ा ट्रेनर भाड़ा का रास्ता बड़ी का लो कछु जत पे ट्रेन का भाड़ा ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि जो टीवी में जो डिबेट होती है अगर इन 10 महिलाओं को टीवी डिबेट में बैठा लिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छी बात जो है वो लोगों को समझ में आए। ये महिलाएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो पीछे महिला बता रही है वो माताजी बता रही हैं कि 100 रुपए ट्रेन का टिकट ज्यादा हो गया है। इधर इधर माता ये इधर माताजी बता रही है कि 100 रुपए का केरोसिन हो गया है। इधर जो है ये बहन जी बता रही है कि सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए से ऊपर का मिल रहा है। तो टीवी में अगर आप 5 से 10 बजे तक अगर इन महिलाओं को सुन ले तो अब मैं खत्म कर लूं। हमरा खाबो की बोलन तो 300 का मजदूरी गरीब 300 का मजदूरी तो की खाबो हमरा बोलन की खाबो संसारे 1000 टका दिछे बेकार भाता की हबे 1000 टका সত্যি দেখেন গা क्या कह रहे हैं? पायखाना नहीं है, पायखाना शौचालय भी नहीं है, पायखाना नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं है। और सिलेंडर वगैरह और वो सब सिलेंडर ना 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 नहीं है कुछ ना। ये राहुल गांधी क्या कर देंगे आपके लिए? जीतेगा तो देगा, देगा भालो भालो अबे। अच्छा तो बाकी सब भी तो नेता ऐसे ही बोलते हैं हम भी देंगे हम भी देंगे ऐसे तो सब लोग बोलते हैं। तो राहुल पर क्यों विश्वास है आपको? राहुल अच्छा आदमी है, विश्वास हो गया सबको। अच्छा विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, अच्छा है वो। और नेता की तरह नहीं है वो, अच्छा है। क्या अलग आपको लगता है? लगता है वो जीतेगा तो अच्छा ही करेगा कुछ। तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो हम वो कर देंगे। लेकिन बाद में तो फिर जो है वो लोग कहते हैं कि फलाने नेता ने ये प्रोमिस किया था, फलाने नेता ने वो प्रोमिस किया था और वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होता, लेकिन आप तो जानते हैं ना एक एडुकेटेड पर्सन और एक नॉन एडुकेटेड पर्सन से फर्क डिफरेंट डिफरेंट तो पता है ना। हम भी एडुकेटेड है। अगर एडुकेटेड पर्सन और ये इंजीनियर है चैनल हम देखते हैं। अच्छा देखते हैं आप? थैंक यू। थैंक यू। ये भाई सब सत्ता में आने के लिए सब पार्टी अपनी जोर लगाती है, सब नेता अपना जोर लगाते हैं। राहुल भी आज सत्ता में आने के लिए जोर लगा रहे हैं, इसमें क्या अलग हो गया? नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और
ये मतलब मोदी जी ने क्या बोला था कि साल में 2 करोड़ लोगों को जॉब दिलाएंगे और आज हम बैचलर होकर भी आज बेकार है यहाँ पे। दो बजे से तो क्यों आखिरकार, वो तो थोड़ी सी देर के लिए दिखेंगे, इतनी देर के लिए तो टीवी पर भी दिख जाएगा। हाँ, देखा अलादा सत्ती का देखा। ये हमारा पोता है, वो हमारा बेटी है। तो ज्यादा चेता कौन है? हम सब है चेता उसका। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो अब आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए राहुल गांधी, और इतनी सेकंड भर के लिए, अब देख लीजिए कितनी सेकंड भर के लिए हो पाता है। ये राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो बस ये इतनी सेकंड भर की जो है वो पूरा खेल होता है, इतना सेकंड भर। हाँ, दिखाइए, अब देखिए इनकी स्माइल दिखाइए एक बार आप। हैं, तो ये क्या मिल गया अब आपको? कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिलेगा। क्या देखकर खुश हो गया कि राहुल गांधी सर सेकंड भर बस इतना बड़े आदमी मेरे रोड में आ गया, आपका तो रोंगटा खड़ा हो गया। दिखाओ जरा एक बार, देखो इधर दिखाओ। राहुल गांधी सर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वोट भी जरूर देगा, जरूर दिएगा वोट के। ये केवल जो है वो बड़े नेता को देख करके हाथ हिलाने के लिए लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए? वोट देगा, हम वोट देगा उसको, कोई नहीं देता है, हमारा घर ही है। तो इसमें आप रहते हैं? हाँ, रहते हैं, छत में रहते हैं हम ही घर में। इसमें तो गिर जाएगा कभी? गिर जाएगा तो मर जाएगा, क्या होगा? नहीं जाएगा, कोई नहीं देता है। इसलिए हम बोलते हैं हम राहुल को उठाएगा, एक बार हम राहुल गांधी को उठाएगा वोट में, कहे कि हमारा घर कितना है, कोई नहीं देता है। एकदम हम सच्चे बोलते हैं। हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज करीब 20वां दिन है, और इस यात्रा को लेकर के शुरुआत में सबके जहन में यही सवाल था, मेरे जहन में भी था, कि इस यात्रा को पहली यात्रा जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, लोग उतना देखने के लिए नहीं आएंगे जितना पहले देखने के लिए आते थे, क्योंकि इस बार की यात्रा बस से गाड़ी से हो रही है, पदयात्रा नहीं है। और जब पदयात्रा नहीं होती है तो जाहिर सी बात है नेता चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए वो लोगों को दिखाई देता है, और चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए किसी को देखने के लिए लोग क्यों ही आएंगे। जब कोई पैदल चलता है तब तो लोग बहुत आते हैं, और जब पैदल चलता है तो लोग देखने के लिए, उसके साथ में खड़े होने के लिए, या कुछ देर उसके साथ साथ पैदल चलने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन बसों में अगर कोई चले, अगर गाड़ियों में कोई चले, तो उसको देखने के लिए भी क्या लोग आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल था, मेरे जहन में भी था, और शायद बाकी के बहुत सारे लोगों के जहन में रहा होगा। लेकिन 20 दिन के बाद में जब ये यात्रा अब झारखंड में पहुँच रही है, तब मैं कुछ जो तस्वीर देख पा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तस्वीर जरा आप देखिए, एक ये छोटा सा गांव है, पूछूंगा कौन सा गांव है मुझे मालूम भी नहीं है, और इस गांव में जितने लोग होंगे मुझे लगता कि तकरीबन 70-80% लोग, 70-80% लोग वो गांव में इस वक्त में सड़क के ऊपर है। उधर आपको जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में उधर भी लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने लोग थे वहाँ पर, तो मैं बात करता तो शायद बात नहीं करने देते, इतनी भीड़ वहाँ पर आ जाती। और यहाँ पर मैं जब थोड़ा सा और आगे आया हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये महिलाएं बड़ी संख्या में, ये महिलाएं हैं, और अब जो है ये मैं बात करने लगा तो ये महिलाएं यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई, बाकी ये महिलाएं वहाँ पर इस पाइप पर बैठी हुई थी। ये जो पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं, इन पाइपों पर ये महिलाएं बैठी हुई थी, मतलब कि काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था शायद, और इसलिए जो है वो शायद यहाँ पर खाना माना कुछ नहीं, 2 बजे से बैठे हैं सब, 2 बजे से। हाँ। तो अब तो कितना टाइम हो गया, अब तो 4 बजने जा रहे हैं, हम सब देखने के लिए बैठे हैं। तो उधर पाइप के ऊपर बैठे हुए थे आप लोग? हाँ? हाँ। आप कितने देर से बैठी हुई थी यहाँ पे? दो बजे से। तो क्यों आखिरकार, वो तो थोड़ी सी देर के लिए दिखेंगे, इतनी देर के लिए तो टीवी पर भी दिख जाएगा। देखा अलग था सत्ती का देखा। अच्छा, सत्य का देखा। एक मिनट, थोड़ा इधर आओगे आप? ये मैं असमी समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं बंगाली समझ नहीं पा रहा हूँ, माफ कीजिए। क्या कह रही है ये बोल रहे हम दो बजे से रहे थे राहुल गांधी सर को देखने के लिए। तो ये वो तो थोड़ी सी देर के लिए दिखेंगे, गाड़ी में बस निकल जाएंगे, और उसके लिए दो तीन तीन घंटे से इंतजार। ये गाँव का लोग है यहाँ पर बैठते है सब, जो महिला है उसका है? उसका चाहिदा है। और आप नहीं है? हम चाहिदा है उसका। तो बड़ा चेता कौन है? आप चेते बड़े हैं कि ये भैया जो है? ये हमारा पोता है, वो हमारा बेटी है। तो ज्यादा चेता कौन है?
हम सब है चाहता उसको। अच्छा, हम सब सब सब, सब लोग हम चाहता है उसको। क्या ऐसा चाहना है, मतलब क्या ऐसी चाहत है उसको? पीएम के पीएम के सेट में देखना चाहिए। हां, पीएम के सेट में देखना चाहिए हम लोग। आप उसको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? हां हां। अच्छा, ये अब देखिए राहुल गांधी का जो है ये मीडिया ट्रक जो है वो आ गया है, और अब राहुल गांधी जो है वो अब आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए राहुल गांधी, और इतनी सेकंड भर के लिए, अब देख लीजिए कितनी सेकंड भर के लिए हो पाता है। ये राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो बस ये इतनी सेकंड भर की जो है वो पूरा खेल होता है, इतना सेकंड भर। हाँ, दिखाइए, अब देखिए इनकी स्माइल दिखाइए एक बार आप। हैं, तो ये क्या मिल गया अब आपको? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्या देखकर खुश हो गया कि राहुल गांधी सर सेकंड बार बस इतना बड़े आदमी मेरे रोड में आ गया। आपका तो रोंगटा खड़ा हो गया है। रोंगटा खड़ा हो गया। दिखाओ जरा एक बार, देखो देखो इधर दिखाओ। राहुल गांधी सर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। तो इतना सेकंड भर के लिए काफिला दिखा दीजिए जरा। काफिला देखिए, तो इतनी सी देर देखने के लिए हमारा जी भर गया। जी भर गया, जी भर गया। देखिए कोई बड़ा नेता नहीं आया, ममता दी ने भी आया हमारे रोड पे आज, लेकिन राहुल गांधी सर आ गया। ये कौन सा गांव है आपका? घुसकुड़ा मोलाडी थाना। थोड़ा आराम से बताइए क्या नाम है? घुसकुड़ा, रामचंद्रपुर घुसकुड़ा। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? ये बीरभूम। बीरभूम, हाँ। अच्छा, मोलाडी थाना। तो अब यहाँ से झारखंड कितना दूर रह गया? झारखंड 14 किलोमीटर दूर। 14 किलोमीटर दूर। हाँ, तो 14 किलोमीटर के बाद झारखंड में यात्रा चली जाएगी। ये राहुल को बस देखने देखने के लिए लोग आ रहे हैं या कोई वोट वोट भी देगा? ना, वोट देगा, वोट देगा, वोट देगा, जरूर देगा, दिबो वोट दिबो, जरूर वोट दिबो कि नहीं दिबो? हां नहीं दिगो, दिबो हां। और आप दिबो कि सब दिबो? सब सब में देगा वोट। ये केवल ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई बड़ा नेता आ रहा है और वैसे ऐसे ऐसे हाथ हिलाया और ठीक है सब कुछ हो गया है? हाँ। है? हाँ। या वोट भी देने के देगा? देगा वोट, वोट भी जरूर देगा, जरूर देगा वोट। ओके, ये केवल जो है वो बड़े नेता को देख करके हाथ हिलाने के लिए लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए? वोट देगा, हम वोट देगा उसको। ये पहले ऐसे किस नेता का कोई रोड शो ऐसे यहाँ पर हुआ है? कोई नहीं हुआ है यहाँ, कोई नहीं आया आज दिन से। हाँ, बहुत दिन से आया ये। मकान मकान भांगा है, देखो हमारा पापा गेहूँ घर नहीं दिया, घर में बात करा पापा, हमारा मकान है हमारा पापा। क्या कह रहे हैं ये? ये जो हमारा घर है टूटा हुआ, कोई नहीं देता है रुपया, मैंने नहीं देते, इसलिए घर नहीं बनता हमारा। तो ये लेकिन प्रधानमंत्री तो बोलते सबको पक्का मकान दे रहे हैं। देख रहा है, बढ़िया से दिखाइए उसको, ठेका किसने ठेकाए, दिखाइए, आइए दिखाइए, दिखाओ दिखा दो, आओ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाल बानू। अच्छा, हमारा पापा है का? जी, आपके पिताजी हैं। हाँ, बढ़िया से उसको दिखाइए इसको, कोई नहीं देता है हमारा घर ये। तो इसमें आप रहते हैं? हाँ रहते हैं, छत में रहते हैं हम ही घर में। इसमें तो गिर जाएगा कभी? गिर जाएगा तो मर जाएगा, क्या होगा? नहीं जाएगा, कोई नहीं देता है, इसलिए हम बोलते हैं हम राहुल को उठाएगा एक बार, हम राहुल गांधी को उठाएगा वोट में, कहे कि हमारा घर कितना है, कोई नहीं देता है, एकदम हम सच्चे बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। हाँ, हम बहुत साल से बात कर रहे हैं, 1970 साल से बात कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन पहले भी तो कांग्रेस की फिर सरकार रही है, तो तब इंदिरा आवास नहीं आया, अब आते हैं, अब आते हैं, अपने 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 आदमी को देता है। तो आपके गांव में आपको फायदा सरकार से मिला कि नहीं मिला कुछ? हम जी हिंदी जाने ना, बांग्ला जाने ना, नहीं मिला कुछ, 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 नहीं मिला। हमारे पायखाना तक ना है, कुछ ना है, मतलब सत्य देखने का कुछ ना है। क्या कह रहे हैं? पायखाना नहीं है, पायखाना शौचालय भी नहीं है, पायखाना नहीं है, मतलब कुछ ना है, कुछ नहीं है। और सिलेंडर वगैरह और वो सब? हां नहीं नहीं, सिलेंडर ना 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 नहीं है, कुछ ना है। ये राहुल गांधी क्या कर देंगे आपके लिए? देगा तो देगा, देगा भालो भालो अबे। अच्छा, हाँ। तो बाकी सब भी तो नेता ऐसे ही बोलते हैं, हम भी देंगे, ऐसे ही तो सब लोग बोलते हैं। हम ये बांग्ला जाने, हिंदी जाने, क्या कह रहे हैं वो? बोलते
हिंदी आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा। बाकी तो सब नेता ऐसे ही बोलते हैं कि हम भी अगर सत्ता में आएंगे तो हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, तो राहुल पर क्यों विश्वास है आपको? राहुल पर आया है, मोहम्मद को दिखाया है, जो ने विश्वास होगा या देंगे, देंगे हम राहुल। राहुल अच्छा आदमी है, विश्वास हो गया सबको, अच्छा विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, अच्छा है वो। वार नेता की तरह नहीं है वो, अच्छा है। क्या अलग आपको लगता है? लगता है वो जीतेगा तो अच्छा ही करेगा कुछ है? अच्छा ही करेगा वो। क्या आपको विश्वास है कि राहुल बाकी नेताओं से अलग है? क्या ऐसा आपको विश्वास होता है? ऐसा लग रहा है हमको, अच्छा ऐसा लग रहा है, अगर वो जीतेगा तो अच्छा ही करेगा जनता का। नहीं तो नेता तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो हम वो कर देंगे, लेकिन बाद में तो फिर जो है वो लोग कहते हैं कि फलाने नेता ने ये प्रोमिस किया था, फलाने नेता ने वो प्रोमिस किया था और वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होता, लेकिन आप तो जानते हैं ना, एक एडुकेटेड पर्सन और एक नॉन एडुकेटेड पर्सन से फर्क डिफरेंट तो पता है ना। हम भी एडुकेटेड है, अगर एडुकेटेड पर्सन और ये इंजीनियर है, चलो हम देखते हैं। अच्छा देखते हैं आप, थैंक यू, देखिए अच्छा लगता है। थैंक यू। देखिए आज राहुल गांधी से हम हैंडशेक कर लिए। अच्छा हाथ मिलाया आपने? हैंडशेक किया और ये हमने लिखा, देखिए ये सब हमने लिखा है। अच्छा इंडिया लव यू, यहाँ आई वॉन्ट टू इंडियन और दोनों लोग आप साथ में थे क्या? हाँ हम साथ में ही थे, और बाइक टूट गया, यही दुख की बात है कि पास में ही थे हम। अरे पीछे आके गाड़ी मार दिया। और जो आपका क्वेश्चन था कि राहुल गांधी कैसे अलग है, तो देखिए वो जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, या कभी कभी कुल के पास जा रहे हैं, या दिल्ली में क्या नगर है ना उसमें जाके पूछ रहे कि तुम्हारा क्या दिक्कत है, इस तरीके से तो कोई पीएम मतलब काम नहीं किए। हमारा सब सत्ता में आने के लिए सब पार्टी अपनी जोर लगाती है, सब नेता अपना जोर लगाते हैं, राहुल भी आज सत्ता में आने के लिए जोर लगा रहे हैं, इसमें क्या अलग हो गया? नहीं नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और ये मतलब मोदी जी ने क्या बोला था कि साल में 2 करोड़ लोगों को जॉब दिलाएंगे, और आज हम बैचलर होकर भी आज बेकार है, क्योंकि हमारा डिग्री है मैथ ऑनर्स, ये इंजीनियर है। लेकिन देखिए ना कि आज रेल का वैकेंसी कितने दिनों बाद आया है, रेल का वैकेंसी 2008 के बाद 2024 आना चाहिए, तो ये सब तो बहुत गलत है। और हो सकता है कि राहुल जी भी मतलब पीएम हो जाए, उसका काम ना करे, लेकिन जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। हमारा पूरा विश्वास है कि वो काम करेगा, क्योंकि वो एडुकेटेड पर्सन है, वो बाहर से पढ़ के आई है। अगर बाहर से पढ़ के आए हैं तो स्टूडेंट की दुख को पहचानेगा, जरूर पहचानेगा। और जिस तरीके से मतलब म्यूचुअल करके वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक। वो लोग कहेंगे आप लोगों तो हाथ वात मिला लिए, इसलिए तो आप तो राहुल का गुण गाओगे। हाथ मिलाने से नहीं है, बुरा बात भी हो सकती है। लॉजिक समझिए आप ना, बताइए बताइए। देखिए राहुल गांधी ने जो यहाँ पर मतलब ये ग्राउंड फील्ड पे आकर काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये वोट लेने के लिए नहीं, भारत जी और यहाँ पर क्या लिखा है, नफरत की दुकान बंद करो और मोहब्बत की दुकान खोलो। लेकिन ऐसा जो कोई भी बीजेपी पार्टी है वो क्या कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, धर्म के मामले में भी नफरत फैला रहे हैं और सब कुछ। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब, लेकिन आपस में यहाँ पे कोई नहीं लड़ता। वो जो लड़ते हैं इन लोगों को, हम लोगों को लड़ते हैं, वो जो MLA है, MP है, PM है, इसी लोग आपके कह रहे हैं मोदी अच्छा लड़का नहीं, लोग नहीं है। अच्छा क्यों अच्छा नहीं है मोदी जी, क्यों अच्छा नहीं? বাংলা তো গ্যাসের দাম 1000 টাকা করে দিয়েছে, আমাদের গরিব মানুষ আমরা কিনতে পারবো? যখন ছিল রাহুল গান্ধী জামানে যখন ছিল তখন তো কই 500 টাকা দিয়ে গ্যাস পেতাম, আর এখন কেন পাওয়া যায় না বলেন? क्या कह रहे हैं इन्होंने जो बोला वो बताइए, क्या कहा? गैस अपन मोदी 1000 टका करे छे, अरे राहुल जखन छिलो जखन जब कांग्रेस सत्ता में था तब कितने रुपया गैस था आप ही बताइए ना, गैस सिलेंडर आप ही बताइए, आपको 450 रुपया। और अभी इन लोगों का कहना है कि 1000 नहीं, 1200, 1200। लेकिन अभी तो बोल रहे कम कर दिया हमने 200 रुपए। नहीं नहीं 200 रुपया कम करके क्या होता है ना, कि 200 टका कम करते 200 टका 500 टका आसुक पावे तो भालो, गरीब मानुष के कति देखे, एक टुकड़ो देखे ना गरीब मानुष के, मोदी एक टुकड़ो गरीब मानुष के देखे ना, किंतु राहुल गांधी देखे, वो देखे वो गरीब मानुष सबको समान भावे देखे। वो देखिए
इन्होंने जो कह रहा है वो है मतलब 100 रुपया को 10% पहले इंक्रीज कर दो, दाम जो है ना गैस सिलेंडर 10% 30% इंक्रीज कर दो, और उसमें 2.5% 1% डिक्रीज करके बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए डिक्रीज कर देता हूँ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो ये कितना रुपए चाहते हैं आप गैस का सिलेंडर कितना हो? 500 तो मोदी जी 500 कर देंगे तो मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दूंगे, हम वो अच्छा लोग नहीं है। नहीं नहीं अच्छा सत्य अच्छे लोग नहीं भालो है। हम देखे मैंने कहा ये सिर्फ 21 बोले हां मौसम माने कि सब समाते समा नहीं देश रह जे की भारत वर्ष की সবাই তো সব কত সুন্দর একটা ভালো হিন্দু মুসলমান সবাই সমান সমান আর ওরা বলছে না ইয়া করো ওয়া করো কেন করবে সেটা সেটা তো ভালো লয় ওটা ভালো ভালো করালো এটা সবাই হিন্দু মুসলমান সব ভাই ভাই আছে এখানে কোনো প্রবলেম হয় না না এখানে আমাদের কোনো হয় না দেখিয়ে जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान है यहाँ पर कोई भी नफरत की नहीं बात होती, लेकिन जब वो एमएलए लोग एमपी लोग पीएम जब खिलाते हैं नफरत तभी यहाँ पर उस लोगों का मतलब एक तरफ से माइंड सेट कर लेता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। इसके बाद आप क्या करते हैं? अच्छा, कुछ भी नहीं करते हैं, हम हाउस वाइफ है। अरे तो आप हिंदी अच्छा बोलते, हिंदी बोलिए ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा बोलिए, हमें इनका सहारा लेना पड़ रहा है आपकी बात सुनने के लिए समझने के लिए। क्यों आपको मोदी जी से जो है आपके आंखों में बहुत गुस्सा दिख रहा है? हमको अच्छा नहीं लगता उसको, हमें तो आंखों में पाइखाना है ना घर ना किछु ना किछु लगना हमें नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं। शौचालय कांग्रेस चलिए सुख से तो सब ठीक भालो होबे, कांग्रेस आसबे से तो भालो होबे। थोड़ा थोड़ा हिंदी बोली जो बोल सकते हो। कांग्रेस आएगा तो अच्छा होगा। हाँ हाँ वही बात, कांग्रेस आएगा तो अच्छा होगा। लेकिन सब नेता तो यही बोलता है, जब विपक्ष में रहता है तो सब नेता तो यही बोलता है कि हम भी अच्छा करेंगे हम भी अच्छा करेंगे। कोई नहीं करता, मोदी जी भी तो 2 करोड़ नौकरी होता है। कोई नहीं करता है, जब मनमोहन सिंह था तब अच्छा था। अरे आप तो बहुत जानकारी रखती है। देखिए सब नेता ऐसा ही बोलता है, सब आप कुछ नहीं करता है। क्या कह रहे हैं, मनमोहन सिंह थे तब क्या था? अच्छा था देश, बहुत अच्छा था। आप कितना पढ़ी हुई हैं? हम 8th पास है। 8th पास हैं। हाँ। लेकिन आपकी जानकारी अच्छी है। हाँ? थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। 8th पास चाय वाला से तो अच्छे हैं आप। देखिए एक जो है वो आप हाउस वाइफ है। देखिए एक हाउस वाइफ है और 8th पास है, लेकिन नॉलेज है कि कब कौन प्रधानमंत्री रहा कब कौन नहीं रहा। और ये शायद आप जाएंगे गांव देहात में तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 10 साल पहले कौन प्रधानमंत्री था। और एक आंखों से गुस्सा बरस रहा है इनकी आंखों से, मैं भाषा तो जो है जितनी समझ पाया उतनी समझ पाया। ये कह रही है कि मोटे मोटे तौर पर लबोलवाब ये है कि मोदी जी ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है, सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ा दिया है और कांग्रेस आएगी तो अच्छा होगा। लेकिन ये सब कुछ कहते हुए इनके हाव भाव और इनकी आंखों में जो गुस्सा एक बरस रहा है जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर, आप उसको कैमरे पर कितना देख पा रहे हैं या कैमरा आपको कितना दिखा पा रहा है मालूम नहीं, लेकिन एक बड़ा संकेत है ये कि देखिए किस तरह से आज मौजूदा समय के अंदर आप कैमरा लेकर के माइक लेकर के अगर गांव देहात के लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांव के लोग हैं ये क्या बोलेंगे, लेकिन ये गांव के लोग क्या बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। डबल করে দিলে সুদা টেনের কত কত গরিব মানুষদেরকে বলেন তো ই হচ্ছে যেতে তো কত কষ্ট হচ্ছে গরিব মানুষের না যে গরিব মানুষ চাল খাবে কি ভাত খাবে কি বলেন ভাত খাবে কি করি গরিব আজীব এক জেলার বাড়িতে 5টা ফ্যামিলি আছে হ তো 5টা মানুষ কি করি খাবে বলেন তো 30-35 क्या कह रहे हो दी क्या कह रहे हो? गांव में कोई काम नहीं है, मतलब जो काम करे जो देखिए जो छोटा बिजनेस है वो गांव के लोग वो छोटा बिजनेस करके अपना लाइफ चलाते हैं, ठीक है थीके? तो मोदी जी आके वो छोटा बिजनेस खत्म कर दिया, छोटा बिजनेस के लिए मोदी जी कुछ सपोर्ट नहीं किए है, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अगर देखिए देखिए अगर गैस की सिलेंडर का इतना महंगाई होगा अगर हम बिजनेस कैसे करेंगे, बाइक लेकर करेंगे या कुछ, इसके लिए हमारा पेट्रोल का जरूरत है, लेकिन पेट्रोल का रेट अभी 90 या 100 है, तो जो गांव के लोग हैं वो एफोर्ड नहीं कर पा रही है, इसके लिए उन लोगों का मतलब भविष्य देख रहे हैं कि वो खतरे में। अगर इसके बाद और एक भी पॉइंट है, ये लोग अगर ऐसे भी अगर हालात चलाते हैं ठीक है, लेकिन इन लोगों का कुछ बच्चे भी है, अगर ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को कहीं मेहनत करके पढ़ाता हुए या बैचलर करा दो इसके बाद उसे जॉब मिल जाएगा, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे 8 फैमिली तो हम की करी खाबो, हमारे 2 KG 3 KG चाल नहीं है ना, तो 35 টাকা 40 টাকা করে চালাতে কি করে খাবো বলে। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं?
হিন্দি বলতে পারি না সরকারের জিনিস 100 টাকা কেরোসিন 100 রুপিয়া কেরোসিন হয়ে গেছে तो आप मोदी को वोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी? मोदी के लोग मोदी के एकदम नहीं, मोदी नहीं, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी मोदी को वोट नहीं कर रहे? ना एकदम नहीं, राहुल गांधी के चाहिए हमरा, हमारे किसी देखे तो हमरा वाकई दिखो वोट জলে ডুবিয়েছে গোটে কি করি কি হবে এ সব সহি বল রি কি গুসা এসে ঝাড় রি চলা ফিরা নেই করতে হে ট্রেন কা ভাড়া জাদা হো গয়া यहाँ पर जो है कौन सा गांव है ये जिला कौन सा है वीरभूमि अब देखिए मैं ऐसे ही रुका था बस यहाँ पर और मुझे लगता है कि जो टीवी में जो डिबेट होती है अगर इन 10 महिलाओं को टीवी डिबेट में बैठा लिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छी बात जो है वो लोगों को समझ में आए ये महिलाएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है वो पीछे महिला बता रही है वो माताजी बता रही है कि 100 रुपए ट्रेन का टिकट ज्यादा हो गया है इधर इधर माता ये इधर माताजी बता रही है कि 100 रुपए का केरोसिन हो गया है इधर जो है ये बहन जी बता रही है कि सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए से ऊपर का मिल रहा है तो टीवी में अगर आप 5 से 10 बजे तक अगर इन महिलाओं को सुन ले तो अब मैं खत्म कर लूं हमरा खाबो की हमरा खाबो की बोलन त 300 टका मजदूरी गोली में 300 टका मजदूरी तो की खाबो हमरा बोलन की खाबो संसारे 1000 टका दिछे बेकार भाता की हबे 1000 टका खट्टा रे ना खट्टा जी इसामी राज खट्टा रे ना कौन डोले दिछे कौन डोले 5 केजी चाल 10টা ছেলে হবে বুঝবে দেখেন ওই যে এই একটা দেখো ওর আগে একদম মাঙ্গা নাই কিছু হ্যাঁ আমি বলি কি এই যে খোড়া পোড়া লোক এই যে বয়স্ক লোক সব সব 1000 টাকা ভাতা নি দুদিন কা সংসার চলে না তো আমাদের সরকার যদি একটু বাড়েন যদি করতো তাহলে আমাদের একটু বেশি ভালো হইতো সংসারটা চলতো গরিব লোক আর গরিব লোকে অন্তদয় কাঠ কম আর গৃহস্থদের কাঠ বেশি 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 দেখেন বাড়ি নাই ঘর নাই আমরা পাই না বড়লোক পাইলি সে এই অন্তদয় কাঠ গিলা 15 কেজি করে চাল আমরা পাই না আমরা খোড়া লোক পাই না বড়লোকের কাঠ 1 কেজি 1.5 কেজি করে চাল পেয়ে আর এই যে 1000 টাকা वो बोल रहा है कि उसका कमाने वाला कोई नहीं है सरकार जो भाड़ा दे रहे है 1000 रुपया उसमें उसका संसार नहीं चलता है वही बोल रहा है उसके कोई कमाने वाला नहीं है वो तो नंगा है यही बोल रहा है सरकार को यही बताने जाता है तो देखिए आप 5 घंटे टीवी डिबेट बैठ करके देख लीजिए या इन लोगों की समस्याएं सुन लीजिए आपको पता चल जाएगा कि देश क्या चाहता है देश के दिल में क्या है और देश के लिए कौन कितना कर रहा है मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जो है थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ
तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं थोड़े से उल्टे सवाल जरूर पूछता हूँ, जैसे उन लड़कों से पूछ रहा था कि मोदी जी को फिर वोट क्यों नहीं दोगे, मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं सवाल जरूर करता हूँ और मैं मेरी कोशिश यही होती थोड़ा उनके दिल में से और बातें निकल करके सामने आए। लेकिन यहाँ पर लोग जो बात कह रहे हैं उस बात को अगर आप गहराई से समझेंगे तो दर्द भी है, गुस्सा भी है और एक अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस करते हैं वो भी है। और निश्चित तौर पर इन लोगों का जो दुख दर्द है, वहां तक कितने नेता पहुंचते हैं और वहां तक कितने पत्रकार पहुंचते हैं वो तो ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और आप लोग इनके चेहरे को देख करके ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अरे कथा बोलेंगे अपने साथे। हाँ हम बांग्लादेश बोल छी, हिंदी तो बढ़िया है, हिंदी अगर बोल पाए तो। हम बोला था कि हमारा चार बाल बच्चा है, हम खोड़ा है, हमारा बेटा ही है, 1000 टका दे सरकार देगा तो हमें क्या करेगा, अभी कौन देश से खाएगा, कौन देश करेगा, बाड़ी नहीं गोट नहीं, अभी मेरा बाड़ी नहीं गोट नहीं, तेरा हमें क्या करेगा, बाड़ी घुस किया ताना मरा डोई हमारे देखा सहाज्य पाए पाया जाए पास नहीं आएगा, पास ना पाएगा। तो यही जो है वो सच्चाई है कि अब ये नेता जो है वो ये लोग यहाँ पर जो है वो दौड़ करके आए हैं। जब इसको पता चला कि वहाँ पर मीडिया कोई बात कर रहा है, मीडिया से कोई है, कोई पत्रकार है, तो ये दौड़ करके आया है और ये अपनी बात को जो है यहाँ पर कह रहा है। कितने लोग यहाँ तक आ पाते हैं, कब इन लोगों को मौका मिलता है कि किसी पत्रकार के सामने अपनी भड़ास निकालें या किसी नेता से अपनी बात कहें? और कितने लोग जो है इन तक पहुंच पा रहे हैं? और क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये आप और हमसे कम नागरिक हैं? क्या ये आप और हमसे देश के अंदर कम योगदान देते हैं? और क्या इनकी समस्याएं नहीं सुनी जानी चाहिए? और क्या इनकी बात नहीं होनी चाहिए? आप लोग खुद तय करिए, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने चेहरे हैं, उतनी ही लोगों की समस्याएं हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।